अगर आप देखें अच्छी खासी तेजी लेकर अगर आप देखें अब 60 अंकों पर हो चुका है, 7574 के पास कारोबार कर रहा है। ये रही बात अगर आप देखें एसजेएक्स निफ्टी की, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें शनिवार को सेबी की बोर्ड बैठक भी हुई, थोड़ा सा उस इशू पर भी मैं आ जाता हूं और देखिए कुछ बड़े फैसले लिए गए। पहली बात तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, यूकेसी नजीर ने बड़ी अच्छी खबर दे दी कि बीएससी की लिस्टिंग को सैद्धांतिक मंजूरी उन्होंने दे दी। काफी समय से मामला टिका हुआ टका वो ये फंसा हुआ था। और देखिए अब अच्छी बात यह है कि आप भी एज अ इन्वेस्टर एज अ शेयर होल्डर देश के किसी एक्सचेंज का अगर आप देखें भाग बन पाएंगे, उसके शेयर होल्डर बन पाएंगे और 6 से 9 महीने में शायद ये पूरी प्रक्रिया हो भी जाएगी, इससे बात भी करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं यूके सिन्हा साहब ने कहा कि एग्जैक्टली इस बोर्ड बैठक के बाद पहले। I will also like to inform you that SEBI board had earlier taken a decision that in the January meeting about listing of stock exchanges. So SEBI has given in principle approval for the listing of Bombay Stock Exchange. We have given in principle approval for the listing of BSE. और इसी पर बातचीत करने के लिए अब खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बीएससी के एमडी और सीईओ मिस्टर आशीष चौहान हमारे साथ हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। 2 साल के इंतजार के बाद फाइनली सेबी की ओर से नॉड मिला है बीएससी के आईपीओ को, आपका पहला रिएक्शन क्या है, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं सेबी को और उनके बोर्ड मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा अपने शेयर होल्डर्स और ब्रोकर्स की तरफ से और पूरे बीएससी के जो परिवार है उनकी तरफ से कि ये बड़ा पेचीदा एक प्रश्न चल रहा था पिछले कई सालों से और सेबी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में उनको सुलझाया है, तो मुझे काफ़ी सुखद आश्चर्य भी है और एक आनंद की अनुभूति भी है। वाकई अगर आप देखें खुशी की बात है कि आपको बहुत दिनों के बाद आखिरकार इस लिस्टिंग के लिए इस आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई। लेकिन सर एग्जैक्टली रूट क्या अपनाएंगे आप और इस पूरी प्रक्रिया के खत्म होने में वक्त कितना लगेगा आशीष जी? देखिए अभी जो हमने प्रक्रिया की है इन प्रिंसिपल अप्रूवल की, वो एक सिर्फ एक्सचेंज को करनी पड़ती है या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जैसे डिपॉजिटर्स है उनको करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग सेबी से संलग्न हैं, हम सेबी से रेगुलेटेड है। इसलिए अब जो प्रक्रिया होगी वो नॉर्मल जो कंपनियां करती है उसकी होगी, जिसके अंदर हमें हमारा लेटेस्ट जो अकाउंट्स होता है वो ऑडिट कराना पड़ता है, तो मार्च के अंत में जो रिजल्ट आएंगे उसका ऑडिट करके AGM से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन केस रिक्वायर्ड जरूरत पड़ती है तो हमें पिछले 4-5 साल के जो अकाउंट्स हैं उसको रीस्टेट करना पड़ेगा, हमें हमारे AGM में जाके इवन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको भी चेंज करना पड़ेगा जरूरत पड़े तो ऐसी कई प्रक्रियाओं के थ्रू हमें जाना पड़ेगा और फाइनली हम जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है वो सेमी में सबमिट करेंगे और उनके बाद उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो प्रश्न होते हैं उसको सुलझाएंगे और उसके बाद हम जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके पास से ऑफर फॉर सेल के लिए जितने भी शेयर्स वो देना चाहते हैं उसका भी एक डिमांड करेंगे और जिन जिन से शेयर्स आएंगे उनके वहाँ पे एक प्रक्रिया चलेगी जिससे किसके कितने शेयर्स मार्केट में जब OFS करेंगे तब डाले जाएंगे उसका भी एक तरह से एक प्रक्रिया होगी। तो मुझे लग रहा है ये टोटल 6 जो प्रक्रिया है पूरे 6 से 9 महीना लगेगा और थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, बट आई थिंक ये 2016 के अंत तक या 2017 के शुरुआत तक जी प्रक्रिया मेरे हिसाब से सुलझनी चाहिए जी। लेकिन आशीष जी करंट रेगुलेशंस के मुताबिक सेबी ने एक्सचेंज को फॉरबिड किया है कि वो सेल्फ लिस्टिंग के लिए जाए, तो इसे आप कैसा देखते हैं? जो सेबी चेयरमैन ने कहा है मेरे हिसाब से कि सेल्फ लिस्टिंग की ना कही है कि जिससे हर कोई एक्सचेंज अपने आप पर लिस्टिंग नहीं कर सकती, उसका एक कारण भी है कि जो कोई अपने आप को रेगुलेट करता है लिस्टिंग जो करना होता है वो एक खुद को रेगुलेट करने की बात है, जबकि कोई दूसरा आपको रेगुलेट करता है तो वो स्वाभाविक तौर से रेगुलेटर के हिसाब से बिहेव करेगा, खुद को रेगुलेट आप करने में मुश्किल होती है। इसलिए मेरे हिसाब से सेबी ने 3 साल पहले ये निर्णय लिया था और तभी किसी तरह सा कोई विरोध किसने दर्शाया नहीं था। आज जब सेबी वापस उसको दोहरा रही है कि क्रॉस लिस्टिंग जरूरी है, सेल्फ लिस्टिंग अलाउ नहीं करेगी, तो हमें लग रहा है कि बीएससी को उस रेगुलेशंस को मानना चाहिए और अपने आप को दूसरी एक्सचेंज के रेगुलेशंस के तहत लिस्ट करना चाहिए जिससे कोई कल आक्षेप न कर सके कि बीएससी अपने आप पे थोड़ा सॉफ्ट जा रहा है। हम सबसे बेहतर ट्रांसपेरेंसी से सबसे बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लिस्ट करना चाहते हैं और दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट करने से ये हमें आशा है कि वी विल बी एबल टू गिव गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑल्सो नॉट ओनली अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस देंगे लेकिन लोगों को दिखा पाएंगे
कि हम भी दूसरे रेगुलेटर के तहत काम कर सकते हैं। आशीष जी अभी आपने कहा कि आप आपके इन्वेस्टर्स बीएससी के इन्वेस्टर्स से शेयरों की डिमांड करेंगे, मैं जानना चाहता हूं सर इस पूरी प्रक्रिया से पहले कि आपका जो एग्जैक्टली जो शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट है शेयर होल्डिंग है पैटर्न जो है वो कैसा है, थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालेंगे। आज जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है करीब बीएससी में 8000 से करीब शेयर होल्डर्स है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है करीब 10.5 करोड़ से भी अधिक शेयर्स है, 1 रुपये का उसका फेस वैल्यू है और करीब 39% जो है स्टॉक ब्रोकर्स के पास है, 31% जो है नॉन स्टॉक ब्रोकर इंडियंस के पास है जैसे LIC, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कई सारे बड़े उद्योग घराने, छोटे मिड कैप साइज के जो कंपनीज हैं उनके पास भी बीएससी के शेयर्स हैं और कई सारे छोटे इन्वेस्टर निवेशक के पास भी बीएससी के शेयर्स हैं आज, और करीब 30% जो है वो फॉरेनर्स के पास है, उसमें दो बड़े बड़े एक्सचेंज है, डॉयचे बोर्स जो है उसका 5% है, सिंगापुर एक्सचेंज का 5% है और जॉर्ज सोरोस करके जो एक नामांकित इन्वेस्टर है विश्व में उनका 5% है, जॉर्ज काइजर करके दूसरे एक नामांकित इन्वेस्टर है उनके भी 5% है, तो टोटली 30% फॉरेनर्स के पास है, 31% नॉन ब्रोकर शेयर होल्डर्स है, नॉन ब्रोकर इंडियन शेयर होल्डर्स और 39% ब्रोकर शेयर होल्डर्स के पास है। चलिए शुक्रिया आशीष जी, समय दिया आपने जी बिजनेस को और इस मुद्दे पर बातचीत की। एसजेएक्स को देखें तो स्ट्रेंथ अब और स्ट्रेच हुई है, करीब करीब 62 पॉइंट्स की तेजी के साथ एसजेएक्स निफ्टी अभी उच्चतम स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो दो स्टॉक ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं जिन पर आज आपको ट्रेड करना है ये जान लेते हैं। वीरेंद्र कौन से वो दो शेयर हो सकते हैं? जी चलिए आज की दो सस्ती अगर आप देखें और टिकाऊ और कम रिस्क वाली रणनीति बात कर लेते हैं। देखिए केयर इंडिया आज मैं इंडेक्स में मानता हूं कि सबसे अगर सबसे स्ट्रॉन्ग कोई काउंटर है तो वो यही है और देखिए सुबह इनफैक्ट मैंने शेयर किया था आपसे और निर्मल बैंक की इस पर राय भी आई है। केन इंडिया पर अगर आपको थोड़ा सा एक कम रिस्की स्ट्रैटेजी खेलनी है तो आप इसकी मार्च की 145 की स्ट्राइक खरीद के चल सकते हैं, माफ कीजिएगा नीचे सिप्ला लगा हुआ है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ केन इंडिया, माफ कीजिएगा जरा प्लीज थोड़ा सा अगर आप कन्फ्यूज हैं तो मार्च की 145 की कॉल खरीदनी है आपको लगभग 5.5 रुपये में, 5.5 रुपये मिल जाएगी आपको और इसका टारगेट ये करीब करीब आप ये देखिए कि कुल मिला के 5 रुपये के आसपास रहेगा, आपकी जगह आई थिंक कुछ गलती है इसमें, प्लीज़ दो मिनट में आपको फिर बताऊंगा थोड़ी देर बाद, प्लीज़ हटाइए से एक बार जरा। मारुति पे आते हैं जरा एक बार, मारुति पे क्या रहे है केन इंडिया में आपको समझाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। यह पर मारुति 3641 का स्तर यहाँ पर है, इसकी आपको 3700 की कॉल खरीदनी है 68 रुपये में याद रखिएगा और जो लक्ष्य है टारगेट है वो 100 रुपये का है और जो स्टॉप लॉस है 52 का। देखिए इस पर रणनीति है इसलिए अच्छी है क्योंकि इसने ना सबको चौंका दिया है, इसने एक कंप्लीट रिवर्सल दिया, लोग सोच रहे थे कि एक छोटा से पुलबैक के बाद फिर यू टर्न लेगा फिर नीचे जाएगा लेकिन बिल्कुल अगर आप देखें इसने चौंका दिया आपको, तो मारुति की कॉल पे काम करिएगा। मैं थोड़ा सा स्केन के ट्रेड पर बात करूंगा लेकिन थोड़े से देर के बाद। दीपाली चलिए 9 बजे है, वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को ही समेटने का।